जाता था और मारने से पहले हमारे बुजुर्गों को सिल्ली पर लिटाया जाता था और सिल्ली पर लिटाने के बाद जितने बार इंकलाब जिंदाबाद बोला जाता था उतने ही उनको बैठ मारे जाते थे, उनके शरीर को नंगा कर दिया जाता था जिससे उनकी चमड़ी उतड़ जाती थी। बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने देश में लड़ाई लड़ते 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 अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और अंग्रेजों को भगाने के लिए मेन काम था कि आम गरीब आदमी को सुख मिल सके और सबको अधिकार मिल सके। आज वो अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज के बाद जो लोग आए अभी भी जनता का कोई बहुत अच्छा हाल है नहीं। जिस लोकतंत्र की प्रणाली के लिए ये सारा कुछ बड़ा संविधान बनाया गया उन तमाम बातों पर पहले से ही लूट घुसो चलती रही और रही सही कहकर इस ईवीएम के द्वारा अब आ रही है। इस ईवीएम के मामले में आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र के मामले में उंगली उठ रही है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर जाइए, गांव में जाइए, कहीं भी जाइए, जो आदमी अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी आज की तारीख में हमारी ईवीएम के ऊपर सबकी स्वीपर आ गया है। तो हमारे देश में जो हमारे चार स्तंभ हैं जिनके दम पर लोकतंत्र जिंदा है वो लोकतंत्र के चारों पाए हिल रहे हैं। चारों पाए जो मीडिया है वो मीडिया जो है भटक गया है और बाकी के तीन पाए हिले पड़े हैं। अब सवाल ये कि अगर तीन पाए हिल गए हैं तो देश लोकतंत्र कैसे रहेगा। इस लोकतंत्र के लिए कायदा है। लोकतंत्र का कायदा सिर्फ ये है एक तरफ जब बैरिस्टर हो और एक तरफ नब्बे बुद्धू खड़े हों, अगर नब्बे बुद्धू कीचड़ उछालें रेत उछालें हो करें तो लोकतंत्र में 10 बैरिस्टर की जीत नहीं होगी, 90 बुद्धियों की जीत मानी जाती है। जब हिंदुस्तान की आम जनता 90% से ज्यादा जनता ईवीएम के खिलाफ है तो हमारे देश के जो हमारे चुनाव को चलाते हैं और उनको पूरा अधिकार मिला हुआ है, या तो उनके अधिकार है नहीं और हैं तो वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि बायदा आज की तारीख में जनता की डिमांड है बायदा बैलेट के द्वारा चुनाव होना चाहिए। मशीनों पर सख्ती सुई है, हमारे देश में आज की तारीख में सख्ती सुई का हाल 4.5 साल ये हो गया है। हमारे यहाँ न्यायालय के ऊपर सख्ती सुई आ गई, हमारे यहाँ चुनाव आयोग के ऊपर सख्ती सुई आ गई, हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय में रिजर्व बैंक के ऊपर सख्ती सुई आ गई। तो सारी जगह जब सख्ती सुई आ गई है तो सच्चा समाधान भी होना जरूरी है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर ये वोट के मामले में गांव के अंदर जो भी अंगूठा छाप आदमी है उससे भी बात करो तो वो एक ही बात कर रहा है साफ सिस्टम में खराबी है। और जब सिस्टम में खराबी है तो भाई दवा देनी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ शरीर में एक सिस्टम होता है, इसमें खराबी होगी लेकिन जुकाम हो जाता है, जुकाम होता है तो बलगम हो जाती है, बलगम हो जाती है तो आगे और बीमारी बढ़ती है, तो बीमारी बढ़ती है तो उसकी दवाई लेनी जरूरी है। अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे देश की जनता ईवीएम के मशीन के मामले में पूरे हिंदुस्तान की जनता आज की तारीख में कुछ चंद लोगों को छोड़ दें जो गद्दी को हथियाए बैठे तो उनके अलावा बाकी की जनता ईवीएम के पक्ष में नहीं है। और हमारी सिर्फ चुनाव आयोग से सिफारिश है, गुजारिश है कि वो कुछ करें, क्योंकि जो काम टीएन सेशन करके गए टीएन सेशन के सामने सरकार हिलती थी। क्या हमारे चुनाव आयोग के पास आज इतनी ताकत नहीं रही कि वो सरकार को हिला दे। अरे भाई जब जनता चाहती है बैलेट पेपर से चुनाव कराना तो आपको बैलेट पेपर में कराने की दिक्कत क्या है। आज हर बात पर कहा जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे बहाने मत बनाओ, जनता चाहती है वो काम करो। लोकतंत्र का चंद मुट्ठी वाले लोगों के लिए हुआ, क्या एक मुट्ठी वाले लोग ही जिएंगे जेल में, बाकी जनता ऐसे ही परेशान रहेगी। तो सवाल यह है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता में इस बात का शक पैदा हो चुका है कि ईवीएम के सिस्टम में गड़बड़ है, तो गड़बड़ के लिए समाधान ढूंढना हमारे देश की सरकार का काम है, साथ में हमारे जो चुनाव आयोग साहब हैं उनका काम है और जनता की जो शक है इसे दूर कर देना चाहिए। कायदे में हमारे यहाँ लोकतंत्र का कायदा होता है कि बहुमत की जीत होती है, तो जब बहुमत जनता का ये बात कह रहा है कि सिस्टम चेंज किया जाए तो सिस्टम चेंज करने में दिक्कत क्या है। क्या एक मुट्ठी भर लोग ही जिएंगे या एक मुट्ठी भर लोगों ने धंधा बना लिया है। कोई बात क्या कहता है कहाँ जाएगा साहब, हम दलितों का सम्मान करते हैं। अरे क्या बाहर सम्मान करते हो, क्या दलितों का सम्मान करते हो, आपके
पूरे हिंदुस्तान में दलित मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, क्या कहते हो तो? एक आपने वो बना दिया राष्ट्रपति भी दलित तो वोट दे दो। अरे काहे को वोट दे दी? आपने दलितों का कभी भी ध्यान रखा है? दलितों की हालत कहाँ है? दलित ऊपर उठने क्यों नहीं रहे? जब आप कह रहे हम सबका सम्मान करते हैं तो सम्मान करते हैं तो दलितों को उठाइए, उठा दो क्यों नहीं? आज दलित फिर भी जवाब उतरा है, किसान का बुरा हाल है, तो हिंदुस्तान में तमाम जनता का गली से लेकर मोहल्ले तक का कहीं भी आप जाइए, हर चौपाल पर जाइए, हर खेत में जाइए, हर बाजार में जाइए, ईवीएम मशीन पर सब कुछ हुई है, किसी से बात करो वो एक ही बात करें, शाम दोबारा फिर वही आएगा। अरे आएगा कैसे? बोला सर मशीन बिछा के गलती। तब हमारी इतनी प्रणाली मजबूत है और प्रणाली का मजाक उड़ रहा हो कि साहब सेटिंग है और मशीन में गड़बड़ है, तो हमारे चुनाव आयुक्त साहब को, हमारे राष्ट्रपति साहब को, हमारे प्रधानमंत्री साहब को इन तमाम चीज़ों का समाधान कर देना चाहिए। समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे देश की तो लोकतंत्र प्रणाली है, पूरा भारत की वजह से पूरे विश्व के अंदर यहाँ से संदेश जाता है, जितना लोकतंत्र मजबूत हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पर लोकतंत्र नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र की मर्यादा रखना आज की वर्तमान सरकार की मजबूरी समझिए, कमजोरी समझिए, कुछ भी समझिए, इसे करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो लोकतंत्र का विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर इस बार मशीनों में गड़बड़ होती है तो वो जनता बिगड़ सकती है, और जब जनता बिगड़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? ज्यादा गोली चलाएंगे, गोली चलाने से देश नहीं चलता। इसलिए हमारी सरकार से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि मशीन के सिस्टम को हटा करके सीधा वोट प्रणाली के ऊपर आइए और जनता की भावना को समझिए। जनता की भावना को नहीं समझेंगे तो माफ करना, ये रूप किसी भी टाइम पर अपना उग्र रूप दिखा सकता है। कभी भी किसी चीज को दबाना नहीं चाहिए, एक छोटी सी धूल होती है अगर हम जूतों से दबाते हैं तो आप देखना कभी कच्ची मिट्टी में चल करके धूल उड़ करके आपके सर पर पहुंच जाती है। ये हमारी सरकार का फर्ज बनता है कि इस मामले को सही ढंग से संभाले और देश में झूठे वादे करने बंद करे। अभी तक हमारे यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि देश का हाल क्या होने जा रहा है। आजकल हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में विकास की बात कर रहे थे, विकास पता नहीं कहाँ रह गया, उसकी कमर टूट गई, विकलांग हो गया, विकास चल ही नहीं रहा, विकास की बात ही नहीं हो रही, फिर चुनाव में जाओ बात दूसरी हो रही है। अरे भाई मोदी साहब कब तक बैठा हुए? हर छह महीने में तुम नारा बदल देते हो, जिस नारे को देते हो भूल कर दूसरा नारा बदल देते हो, उसे बोलोगे तीसरा नारा बदल देते हो, उसे बोलोगे चौथा। अरे भैया तुम लोग से सरकार नहीं चलेगी, जनता को चाहिए पेट भरने का साधन। आप जो कर रहे हैं इससे काम चलने वाला नहीं है, जितना आप लोगों को बहका रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, आपको ज्यादा बड़ा लगे। और ऐसा नहीं है कि जो लोग कह दें साहब तुम्हारा मोदी आएगा, अरे भाई मोदी जी को अमर पट्टा लिखा के लाए क्या? कल अगर मोदी साहब को कुछ हो गया तो देश चलेगा नहीं क्या? इस देश में करोड़ों लोग हैं मोदी से अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, देश नहीं विदेश में जाकर के काम कर रहे हैं, रघुनाथन जैसे लोग हैं, कितने अर्थशास्त्री लोग हैं, आप उनके सबको कुचलना चाहते हो और एक आदमी देश चलाएगा तो नहीं हो सकता। देश तो देश वाले ही चलाएंगे, लेकिन देश को चलाने का तरीका चाहिए। क्या हो गया लोकतंत्र का? जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देते थे, क्या आप उन मूल्यों पर चल रहे हैं? जो कल तक दूसरी पार्टी में जो आज रात को तुम्हारे पास आ गए, कल तक वो गंदे थे वो आज स्वच्छ हो गए। अरे कौन सा धारा लग गया रात भाई? कौन सी धुलाई मशीन है जिसमें डाल के तुमने से काले से गोरा कर दिया? ये तमाम इनकी बातें, बहुत सारी बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं अगर बोलने लगा तो बहुत बड़े मामले हैं। आज हमारा बोलने का जो मामला है वो खाली ईवीएम का है और ईवीएम मशीन का है। हम सब यही चाहेंगे सरकार से अनुरोध करते हुए और अपने राष्ट्रपति साहब से और अपने चुनाव साहब से कि किसी भी तरह से आप इन मशीनों को हटा करके जनता के दिल को जीतिए। जनता का भरोसा हट गया है, जनता को पता है कि सिस्टम में छेड़छाड़ है। यहाँ तक मैं गांव में कहीं बैठा हुआ था तो भाई एक आदमी कह रहा था, बोला जी शुरू में जो दिखाते हैं ये सिर्फ 100 तक चलती गिनती है, तो मशीन के पास है, बाद में जो है 55% वोट एक तरफ हो जाते हैं और बाकी वोट और तरफ चले जाते हैं। तो लोगों ने बहस करी कि साहब पंजाब में कैसा हुआ? बोला एक आध घर तो डायन भी छोड़ देती है। इनका काम यह है, पहले समझदार जो चोर आता था तो घर की अलमारी तोड़ता था, अलमारी तोड़ के क्या करता था, सारे बड़े बड़े हार तो निकाल ले जाता था, हसनी ले जाता था, कान के बंदे और नाक की वाली छोड़ जाता था।
जब पुलिस आती थी इंक्वायरी करने के लिए, बोला भी ये क्या हुआ, चोर होता बाहर का तो सारे सामान ले जाता, नाटकी वाली कितने को छोड़ गया, पुलिस उनती रहती क्या घर वाले काम कर रहे होंगे, और माल हसनपुर वाले लेके भाग के। तो ये हाल हमारे देश में हो रहा है। एक आध जगह थोड़ा था, अलवर में चुनाव हुआ, आपके फूलपुर में चुनाव हुआ, गोरखपुर में चुनाव हुआ, वो सब इसलिए है कि लोगों को कहा जाए कि देखिए गड़बड़ करके वहाँ क्यों नहीं करी, लेकिन गड़बड़ वहाँ नहीं करी, केंद्र के मामले में गड़बड़ करने की पूरी रोक रोक है। ऐसी जनता में बात चल रही है, मैं नहीं कह रहा, ये जनता ये कह रही है, वो मैं सुन के आया हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा तमाम लोगों का मानना है। ईवीएम के मामले में आज की तारीख में रिक्शा चलाने वाले से बात करिए, आप उसके रिक्शे बैठ जाइए, वो भी ईवीएम की शिकायत कर रहा है। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान में ईवीएम के मामले में विश्वास घट रहा है, और सरकार का काम है कि इस काम को सही ढंग से संभाले और जनता को संतुष्ट कराए। ये सत्ता में रहते हुए सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, जिसे ये काम करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं इसलिए बोलूंगा और साथियों को बोलना होगा, जय हिंद जय भारत, यही हमारा संदेश है कि सरकार हमारी बात पर अमल करे और मशीन जुटा करके वोटर प्रणाली जो पहले चलती थी मत पत्रों के द्वारा उसके द्वारा करे। ऐसी हमारी उम्मीद है सरकार जी के, सरकार इस पर विचार करेगी और अमल में लाएगी। जय हिंद जय भारत।